देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी जब ये कहते हैं कि वो सक्षम है और आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं है, सीटें किस आधार पर मांग रही है आम आदमी पार्टी, तो उनको ये बताना चाहिए कि बाप बेटे दोनों रोहतक और सोनीपत की सीट हार गए थे, वो किस आधार पे इन सीटों पर दावा कर रहे हैं ये भूपेंद्र हुड्डा जी को बताना चाहिए, और किस आधार पर, किस अधिकार से वो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, इकट्ठे लड़ेंगे अलग लड़ेंगे। ना वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं जिसके पास ये अधिकार है कि वो घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग तय कर सके, ना वो कांग्रेस हाईकमान के ऊपर की किसी पोजिशन पर है जो वो उनको आदेश दे सकें कि हरियाणा के अंदर क्या होगा। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी भागने की फिराक में है, इसलिए वो रोजाना कोई बहाना बताते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। जो शादी ब्याह में कभी कभी आपने देखा जब बड़ा समारोह होता है तो उसमें एक विशेष व्यक्ति होते हैं जो नाराज हो जाते हैं बार बार, भूपेंद्र हुड्डा जी आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो बार बार रूस जाते हैं, बार बार नाराज हो जाते हैं, बार बार कहते हैं मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। हुड्डा साहब, आपको तो देर सवेर पार्टी छोड़ के जानी है, गांव गांव में ये चर्चा है कि आप अंततः भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो आपने अपने कार्यकाल में किया, इसलिए ये बहाने बनाना छोड़िए। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है कि कौन उसका हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, जो घटक दल है वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर है। हमने अपना संगठन सभी जिलों में, सभी विधानसभा में, सभी ब्लॉक में, सभी सर्कल में ऑलरेडी घोषित कर दिया है। इसके बाद हम हर गांव में अगले 1 महीने के अंदर हम 21 सदस्यीय ग्राम समिति अनाउंस करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम हर बूथ के ऊपर अपना संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हाईकमान की तरफ से जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। विधानसभा में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई गठबंधन होने के कोई चांसेस नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के बारे में जो भी निर्देश पार्टी हाईकमान से होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। कल अशोक तंवर ने कहा था कि हरियाणा में 5 सीटें अगर मिल जाएगी आम आदमी पार्टी को, कि हम संतुष्ट हैं 5 सीटें हमें मिल जाए और इन लोगों को शामिल किया जाए, 5 सीटों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका सजेशन हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये जो घटक दल है उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी को आपस में बैठ के तय करना है। सुझाव के नाते से मेरी निजी राय हो सकती है, किसी की भी निजी राय हो सकती है, लेकिन घटक दल आपस में बैठ करके ये तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई चर्चा, जितना मेरी जानकारी में है, कोई चर्चा किसी तरह की नहीं हुई है, और जो रोजाना हाथ फैलाए रहते हैं कि हमें भी इस गठबंधन में ले लो, हमें भी इस गठबंधन में ले लो, तो मुझे लगता है कि वो लोग, एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। हम वो तिनका नहीं बनना चाहते। अगर कोई डूब रहा है, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, तो उनको होने देना चाहिए। लोग उनको नकार चुके हैं, लोग सिरे से खारिज कर चुके हैं। वो आज के दिन में हरियाणा के राजनीतिक पटल पर कोई ताकत नहीं रखते हैं, लोगों के मन में कोई जगह नहीं रखते हैं, इसलिए किसी गठबंधन में उनको खामखा में तवज्जो देना मुझे सही नहीं लगता है। जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन के बारे में फैसला करेगा लोकसभा चुनाव के बारे में, हम उसको स्वीकार करेंगे। हमारी पार्टी हर सिचुएशन, हर पोजीशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। जो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन में अब टेंशन आई है, काफी यूथ भी है जो हरियाणा से भी कनाडा को मूव करता है, तो व्हाट इज इंप्रेशन इन हरियाणा अभी फिलहाल? क्या आपको भी कोई कॉल्स आ रही है, कोई पैनिक है, या व्हाट इज योर सजेशन ऑन दिस? देखिए, निश्चित तौर पर जब ऐसी कोई घटना होती है तो कंसर्न होता है। जो भी वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके फैमिलीज में भी और उन बच्चों में भी कंसर्न होता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सक्षम है इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करने में। भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है अपने अधिकारों की रक्षा करने में, और ऐसे किसी भी मामले पर भारत सरकार के हर फैसले के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। डन, थैंक यू जी। परिवार जोड़ो, परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है, तो हो चुका है। हाँ, परिवार जोड़ो अभियान।